नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 15 फरवरी 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है? दोस्तों कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में ADR की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस मुख्यमंत्री के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति थी, ये वाला क्वेश्चन कवर किया गया था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ADR की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है? पहला ऑप्शन से आपका अरविंद केजरीवाल, दूसरा ऑप्शन से प्रेमा खांडू, तीसरा ऑप्शन से माणिक सरकार और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों ममता बनर्जी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका सी, माणिक सरकार। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के माणिक सरकार मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है। और दोस्तों माणिक सरकार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस से बचाव हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन से रक्षक, दूसरा ऑप्शन से दस्तक, तीसरा ऑप्शन से संभव और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों जागरूक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, दस्तक। उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस से बचाव हेतु दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना के हथियारों की खरीद हेतु कितनी राशि की योजना को मंजूरी प्रदान की है? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका 15,935 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन से 14,300 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन से 11,600 करोड़ रुपए और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, 15,935 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना के लिए हथियारों की खरीद हेतु 15,935 करोड़ रुपए की राशि की योजना को मंजूरी प्रदान की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को ओमान के किस पोर्ट पर सैन्य पहुंच कायम करने के लिए ओमान से स्वीकृति प्राप्त हो गई है? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका ग्वादर, दूसरा ऑप्शन से दोस्तों आपका चाबहार, तीसरा ऑप्शन से संभोली और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों दुकम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, दुकम। भारत को ओमान के दुकम पोर्ट पर सैन्य पहुंच कायम करने के लिए ओमान से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश में पहली बार एक दिवसीय श्रृंखला जीती है? ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका वेस्ट इंडीज, दूसरा ऑप्शन से दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन से आपका ऑस्ट्रेलिया और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों जिम्बाब्वे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका बी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार एक दिवसीय श्रृंखला जीती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एलपीजी पंचायत निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका संसद भवन, दूसरा ऑप्शन से आपका इंडिया गेट, तीसरा ऑप्शन से राष्ट्रपति भवन और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों विजय चौक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका सी, राष्ट्रपति भवन। हाल ही में एलपीजी पंचायत राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने वाला देश घोषित करने संबंधी एक बिल पेश किया है? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका अमेरिका, दूसरा ऑप्शन से आपका भारत, तीसरा ऑप्शन से ब्रिटेन और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों जापान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश ने पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने वाला देश घोषित करने संबंधी एक बिल पेश किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस धनाड़े के बारे में कहा गया है
कि वह 20 दिन तक देश का सारा खर्च उठाने में सक्षम है। पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका मुकेश अंबानी, दूसरा ऑप्शन से आपका अजीज प्रेम जी, तीसरा ऑप्शन से आपका शिव नादार और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों लक्ष्मी मित्तल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी के बारे में कहा गया है कि वह 20 दिन तक पूरे देश का खर्चा उठाने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी की गई वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका 50वां, दूसरा ऑप्शन से 81वां, तीसरा ऑप्शन से 93वां और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों 100वां। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी 81वां। हाल ही में जारी की गई वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूची में भारत को 81वां स्थान दिया गया। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस फसल का रकबा वर्ष 2017 से 2018 के चालू रबी मौसम में 4.27% से घटकर 3.04 करोड़ हेक्टेयर रहा? पहला ऑप्शन से दोस्तों आपका धान, दूसरा ऑप्शन से दोस्तों आपका गन्ना, तीसरा ऑप्शन से ज्वार और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों गेहूं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह आपका डी गेहूं। हाल ही में गेहूं फसल का रकबा 2017 से 2018 के चालू रबी मौसम में 4.27 से घटकर 3.04 करोड़ हेक्टेयर रहा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।